आपको बता दें कि सूफी कौसर को अब इस तरह से दर्जा मिली है। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कौसर और पाकिस्तान के आतंकी अशरफ जलाली के नाम से उनको ये धमकी मिली है। तो उदयपुर जैसी घटना को दोहराने की धमकी कौसर को दी गई। पाकिस्तान के आतंकी अशरफ जलाली ने ये धमकी दी है और अब ये धमकी वाला जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भारत में पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के आतंकी अशरफ जलाली के ये बोल सामने आया। कानपुर के सूफी खान एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कौसर हसन को गीदड़ भभकी दी है। आतंकी अशरफ जलाली ने यूट्यूब चैनल के जरिए सूफी कौसर हसन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। साथ ही धमकी को लेकर सूफी कौसर हसन ने कहा है कि हमने उदयपुर की घटना में दावत इस्लामी और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए थे और उनकी गतिविधियों पर जांच की मांग की थी, जिससे बौखलाकर अब ये धमकी उन्हें दी गई है। और वहां सूफी खानका जैसे जो बेगैरत बेहमीयत लोगों के इदारे हैं, वो नाम निहाद मुस्लिम जो हिंदुओं की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान पे जलाली चढ़ा हुआ है कि जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया। हजार बार मेरा नाम लो और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे। जो मुसलमान कर रहे हैं, अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा।